बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है, उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं, आप 140 नंबर पे करप्शन में। क्या ख्याल है? फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है, उसके बाद आपकी जुडिशरी के हालात देख लें, अदलो इंसाफ के हालात बिल्कुल खराब है आपके, आपकी जुडिशरी भी बिल्कुल 130 नंबर पर अगर देखी जाए तो। आपका क्या ख्याल है जब आपके प्रीमियर बाहर जाते हैं, बिलखसूस 300-300 बंदों का डेलीगेट लेके प्राइवेट एयरलाइनों प्राइवेट जहाजों पे जब जाते हैं तो वो सोचते नहीं है कि इनके हालात क्या है? पहले तो इंडियन, ठीक है, इंडियन, इंडिया का सबसे मशहूर तोशाखाना केस ये सामने आया कि 1081 गिफ्ट, ये चूंकि इंडिया की डेमोक्रेसी की आपको सबसे ज्यादा मिसाल देते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। पूछना तो आपसे ये है कि ये बैतुल माल के अंदर आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप वाली मिसले रियासत मदीना अपने आप को पेश करते हैं, ये काम है आपका? ये सिखाया आपने यहाँ पे आवाम को? पाकिस्तान की इज्जत पर इससे बड़ा बट्टा आप क्या लगाएंगे? आप यहाँ भेज देते तो इज्जत भी बच जाती, आपने ले जाके उसी कंपनी को भेज दिया जिसने ये घड़ी बनाई थी, तो उसके पास भी कोई और खरीदार तो था नहीं, शहजादे सर आप ना करके गा, उसने बोला दोबारा खरीद लो, जिसके मतलब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत से उतरते के साथ ही आप 100-100 रुपए की भीख मांगने पे आ गए, आपके हालात खराब हो गए, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, 3 करोड़ आपने दोस्तों। स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अटल जी के बाद अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उनके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इमरान खान पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी उनको तोहफे के रूप में पूरी वर्ल्ड से जो कुछ भी मिला था उसको उन्होंने पर्सनली बेचकर खुद पैसा कमा लिया, और वहीं बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की तो जो उनको तोहफा मिला था उनसे जो पैसा मिला उसको उन्होंने गंगा जी की सफाई में लगा दिया। तो दोस्तों ये जो न्यूज है ये पाकिस्तान में काफ़ी चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही जो अटल जी का एक भाषण था वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चला, और उसके बाद सब ये भाषण ये जो नरेंद्र मोदी जी का न्यूज है ये पाकिस्तान में चल रहा है, जिससे ये बताया जा रहा है कि कैसे जो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इंडिया के लिए किस प्रकार से समर्पित हैं, और उन्होंने आज तक कोई करप्शन नहीं किया है जिस प्रकार से इमरान खान ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान जब लीडर था, जब वहाँ के अपोजिशन में नहीं था, तब वो ये कहा करता था कि मैं चोरों को जेल में डाल दूंगा, लेकिन आज उसकी खुद की चोरी जो है वो पकड़ी जा रही है, और ये जो चोरी है ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी चोरी है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में उसके खिलाफ होता क्या है, लेकिन अभी तो ये चर्चा जो है वो पाकिस्तान में जारी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रहे हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करना होगा, जो इनको लेकर आए थे, जिनकी गोद में बैठकर आए थे, आज वो ही सोच रहे हैं दैट वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर, लेकिन इस मास्टर का इलाज भी उन्हीं के पास है। ये ना हो कि पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज कर जाए जो रिवर्सिबल ना हो। एग्जैक्ट सर, दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूं। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई अकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखे। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है, या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं? उसकी 2 वजूहात मेरी नजर में जो मैं उसके फंडामेंटल एक तो सबसे पहले तो जहांगीर खटक साहब मेरे मोहसन भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई हैं, मैं उनसे हमेशा चीजें लर्न करता हूं, मेरे 25-30 साल से दोस्त हैं, इज अ वंडरफुल इंडिविजुअल, हमारे पाकिस्तान के लिए वो एसेट है यहाँ पे वो न्यूयॉर्क में। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कंपेयर करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि एक महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है, आपके मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं, एक तो नंबर वन वजह यह है। उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कश्कौर लेके जाते हैं, वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके, आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खास साहब रशिया तो गए हैं लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे, क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, लेकिन आप जब भी जहां भी जाएं आप मांगने के लिए जाएं तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम,
वही मांगते रहे पाइपलाइन, हालांकि वो किस तरह करें उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी। और उसके बाद ये है दूसरी, एक तो वजह ये है कि आपके मौशत के हालात सब खराब है, दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है, उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं, आप 140 नंबर पे करप्शन में। क्या ख्याल है फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है, उसके बाद आपकी जुडिशरी के हालात देख लें, अदल और इंसाफ के हालात बिल्कुल खराब है आपके, आपकी जुडिशरी भी बिल्कुल 130 नंबर पर अगर देखी जाए तो। आपका क्या ख्याल है जब आपके प्रीमियर बाहर जाते हैं बिलखसूस 300-300 बंदों का डेलीगेट लेके प्राइवेट एयरलाइनों प्राइवेट जहाजों पर जब जाते हैं तो वो सोचते नहीं है कि इनके हालात क्या है। देखें हमें इस पूरे केस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने बहुत कोशिश की स्विट्जरलैंड की कंपनी में, लेकिन हम वहां पे नहीं पहुंच पाए और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि फिर बारिश का कतरा जो है वो फकीर आजम के मुंह में चला गया और उन्होंने खुद कबूल लिया, तो सच बन गया, बस सच बन गया। तो इसमें केस एस्टेब्लिश हो गया, हमने इसको आईनी और कानूनी तौर पर लेना इस केस को कि इसमें आईन और कानून क्या कहता है, खास तौर पर वो कानून जो 18 दिसंबर 2018 को खुद फकीर आजम ने बनाया इस तोशाखाने के लिए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप वो गिफ्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं लेकिन आप खुद दुकानों पे नहीं जा सकते, आप खुद उसको बेच नहीं सकते, आपका मसला ये है कि आपने यहां पे कबूला कि आपने गिफ्ट बेचे, हालांकि आप ही के बनाए हुआ कानून कहता है कि आप नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है, अगर आपको मतलब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत से उतरते के साथ ही आप 100-100 रुपए की भीख मांगने पे आ गए, आपके हालात खराब हो गए, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, 3 करोड़ आपने वो सड़क छोड़े ना, हम स्पिनिंग करोड़ आपने टोशन, ये तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बेचे ना, हम तो आज की बात कर रहे हैं। अगर आप वो आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने 3 करोड़ रुपए तोशा खाने के गिफ्ट हासिल कर रखे हैं और आपको वो पैसे वापस चाहिए हैं, आपको जरूरत पड़ गई है, तो आप डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, ओके, स्ट्रेट अवे आपने डायरेक्ट नहीं बेचना, आपने जाना है सब पैरा 10 पे। तो जब आप इसकी तफसील में जाएंगे तो सबसे पहले आप लेके आए, देखिए मैं आपको इस वक्त 5 मुल्कों के तोशा खाना के कानून पेश कर रहा हूं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सबसे पहले तो इंडियन, इंडियन इंडिया का सबसे मशहूर तोशाखाना केस ये सामने आया कि 1081 गिफ्ट, ये चूंकि इंडिया की डेमोक्रेसी की आपको सबसे ज्यादा मिसाल देते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। 1081 गिफ्ट मिले मोदी को और उसने उसको ओपन बिट करके आवाम ने, और वो तमाम पैसे जो है गंगा की सफाई के लिए मुख्तस कर दिए इंडिया में। नंबर 2 gifts that PM got have received auction bids minister aur ye puri story ab ye UK hai, UK ke andar chuke koi constitution nahi hai lekin India News NDTV ki story hai, UK UK के अंदर आप सिर्फ 50 पाउंड का गिफ्ट हासिल कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। उससे वो कहते हैं कि अगर आपने आना जाना है ऑफिस के अंदर तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, अपनी इस्तेमाल करें, सरकारी नहीं, यहां तक उन्होंने बाइंडिंग की हुई है। ये है UK का तोशाखाना। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहता है जी कि आप 100% अमाउंट अदा करेंगे और उसके साथ साथ आप कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और तमाम चीजें प्रोवाइड कर लेंगे और उसके बाद आप ये गिफ्ट ले सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद आ जाए जी आप अमेरिका का, अमेरिका के अंदर आप सिर्फ $50 का गिफ्ट जो है वो रख सकते हैं, इसके अलावा तमाम सरकारी मिल्कियतें और वो म्यूजियम के अंदर जो है वो पेश कर दी जाएगी। यूनाइटेड स्टेट। सबसे आखिर में आ जाएंगे बांग्लादेश, 100% आप रकम अदा करेंगे, 100% आप रकम अदा करेंगे, कोई इसके अंदर आप खयानत नहीं करेंगे, आप तमाम टैक्सेस ड्यूटीज को बकायदा पे करेंगे। ठीक है, ये है जी आपके तोशा खाने के खान साहब जिन्होंने 58 पाकिस्तान में, और सिर्फ 20% था उस वक्त, इन्होंने भी इसको 18 दिसंबर से पहले 20%। ठीक है, कुरैशी साहब ने 3.5 साल उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं थी, वो खा भी देखते रहे कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जब आप फॉरेन मिनिस्टर बने ही नहीं जहनी तौर पर तो आपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किस तरह करना है। Exactly. सर एक साथ इसके मतलब हम इस चीज से भी नहीं लर्न कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह बोरिस जॉनसन साहब आए, हालांकि नासिर साहिबा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की इशू और फ्लाइंग इशू, और वो वहां पे आके वो कहते कि मैं बिजनेस एंड ट्रेड की बात करने आया हूं न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद में। सर ये मतलब दूसरा एक या तीसरा बड़ा पावर हम कह सकते हैं दुनिया का यूनाइटेड किंगडम को, इसके बावजूद मतलब हिंदुस्तान ने जो कहा तकरीबन उन्हीं चीजों पे सारी चीजें हो गई, डिफेंस की बात हो या फिर इकोनॉमी की बात हो, वो सारी चीजें, लेकिन हम जिसे कहते हैं कि वो आप वाली बात सही है कि चाइना और सऊदी अरेबिया जो हमारे किसी जमाने में थोड़े बहुत बात सुन लिया करते थे, सर उनको भी हमने भगा के रखा हुआ है, साइड पे क्या हुआ। लेकिन उसकी मिसाल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आप जरा हालात देखें खान साहब के। खान साहब सऊदी अरेबिया गए, सबसे पहले तो उनका जहाज मांग कराए, और यहां आते ही टर्की और मलेशिया के साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपना जहाज वापस मंगा लिया था दूसरी एयरलाइन में। देखिए कितनी एम्बैरेसमेंट।
फिर ये घड़ी वाला मामला है, उन्होंने घड़ी गिफ्ट की और घड़ी वापस सऊदी अरेबिया पहुंच गई। मतलब देखिए आप उनकी हम रिलेशनशिप किस तरह आगे ग्रो करेंगे। हम अभी शख्सी तौर पर इंडिविजुअल तौर पर मोरालिटी वाइज हम अभी तक ग्रो नहीं कर सके, अब मुल्क का क्या करेंगे। मेरे लिए एम्बेरसिंग है ये कि ये सारी जो दो चार चीजें मैंने मेंशन की है, फरा बीबी अब यहां बैठी है इस वक्त और यहां से बैठ के लाहौर का जलसा फाइनेंस कर रही है, मुझे यहां पे खबरें मिल रही हैं। और देखिए आप हालात, और इनको सबसे बड़ा खौफ है क्योंकि इनके स्कैंडल निकलने वाले हैं बहुत ज्यादा, और खौफ इतना ज्यादा है जिसकी हद कोई नहीं। अपने कारकुनों को वर्करों को पहले ही बता देते, मुसलसल अपने जलसों में शोर डाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग होगी, मेरे खिलाफ ये होगा, मैंने तोशाखाना की चीजें बेचकर घर की सड़क बना ली है। देखिए आप और अपने आप का कंपैरिजन उन्हीं चोरों डाकुओं को जो बार बार ये चोर डाकू कहते रहे नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज कहते हैं कि मेरे हमारे केसेस उनके साथ सुने जाए, वो कैसी बात कर रहे हैं। आपकी टोटल कैंपेन चल रही है मजहबी कार्ड पे, आप चल रहे हैं रियासत मदीना के आप ठेकेदार हैं, आपके जलसों का नाम अमर बिन मारूफ है, आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं आइया का नाम दो अय्या के नस्तीन से, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने तो आज तक ये नहीं किया।